अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द रेसिपी ऑफ क्रीमी वाइट कढ़ाई। ये इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नीड अ चिकन। उसके बाद हमें चाहिए जिंजर गार्लिक चिलीज़, इनका हम पेस्ट बना लेंगे। फिर हमें चाहिए कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स और ब्लैक पेपर कॉर्न्स, इनको। फिर हमें चाहिए वाइट पेपर और सॉल्ट, और हमें इसके साथ चाहिए होगा योगर्ट एंड द क्रीमी गुडनेस क्रीम, वाइट क्रीम हमें इसके लिए चाहिए। सबसे पहले हम ज़ीरे को और धनिए के जो सीड्स हैं उनको हम रोस्ट कर लेंगे फॉर 1 to 2 मिनट्स, और फिर हमने इसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना है। अब हमने क्या करना है, हमने यही मिक्सचर जो है योगर्ट में ऐड करना है और उसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। और फिर हमने इसमें ऐड करना है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ इट विल गिव अ ब्लैक कलर टू द डिश। अब हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, मैं तो अपने खानों में से मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। और हमने इसमें चिकन ऐड करना है और इसको फ्राई करना है, हल्का इसमें गोल्डन कलर आ जाए जब तक आपने इसको फ्राई करना है। उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और फिर हमने इसको और अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि थोड़ा सा और जो है इसमें गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए। फिर हमने इसमें ऐड किया सॉल्ट। अब हमने इसमें वही योगर्ट का मिक्सचर ऐड कर दिया और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वाइट पेपर। असल जो इसका फ्लेवर है वाइट पेपर का बहुत अच्छा आता है इसमें। और हमने अदरक को और ग्रीन चिलीज़ को इस तरह से कट कर लेना है। अब बारी आती है क्रीम ऐड करने की। अब हमने क्रीम ऐड करने के बाद इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। और इसकी शक्ल कुछ ऐसी खूबसूरत सी हो जाएगी कि आपका बस दिल करेगा कि इसको फटाफट से खा लें। और अब टाइम आता है इसमें ऐड करने का जिंजर और ग्रीन चिलीज़ जो हमने कट करके रखी थी। और अब आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी प्यारी सी क्रीमी सी और इतना सॉफ्ट टेंडर चिकन ये बनता है, और इतना क्रीमी बनता है कि आपको मज़ा आ जाए। आप इंजॉय करें रोगी नान के साथ, गार्लिक नान के साथ या प्लेन नान के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।